हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन। मैं दीपांशु, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ BPCG 175 साइकोलॉजी फॉर लिविंग सोलो असाइनमेंट्स 2022-23 तक के बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ पर हैंड रिटन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं और असाइनमेंट फॉर सोल्व असाइनमेंट PDF। अगर आप हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर अवेलेबल है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। अपना असाइनमेंट्स BPCG 175, ये हमारा सब्जेक्ट कोड एंड साइकोलॉजी फॉर लिविंग हमारा सब्जेक्ट सैंडल सोल असाइनमेंट 2022-23 तक के बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं अपना डिस्क्लेमर स्पेशल नोट्स। हम चलते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ। और हमारा असाइनमेंट ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा हुआ पड़ा है। असाइनमेंट 1, जिसमें कि 1 और 2 क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट कैटेगरी क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। और ये दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स है और जिसकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स है। देखते हैं असाइनमेंट 2। आंसर द फॉलोइंग मिडल कैटेगरी क्वेश्चन इन अबाउट 22 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन क्या है, 10 मार्क्स। और जो ये तीनों क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स और इनकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स की है। अब देखते हैं असाइनमेंट 3। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन क्या है, 6 मार्क्स। और हमारे असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन 6 मार्क्स के और जिनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की है। देखते हैं हम असाइनमेंट 1 के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिटी, डिस्कस द सोकियो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट, हाउ डू वी फॉर्म एन आइडेंटिटी। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। पॉइंट 1, सोसाइटी। पॉइंट 2, फैमिली एंड लव्ड वंस। पॉइंट 3, एथनिकिटी रेस एंड कल्चर। अब देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्लेन इंट्रिनसिक एंड एक्सट्रिनसिक मोटिवेशन। डिस्क्राइब वेज टू एनिकेंस बोथ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। डेफिनेशन ऑफ इंट्रिक्स एंड एक्सट्रिनिक मोटिवेशन, इसका आंसर। एंड व्हाट इज इंट्रिनिक मोटिवेशन। What is extrinsic motivation? Did you check that? Intrinsic and extrinsic motivation, what's the difference?
व्हेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ट, अब हम देखते हैं अपना असाइनमेंट टू और उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड टेक्निक्स इन मॉडिफाइंग डाइसिस फंक्शनल एटीट्यूड्स। बैकग्राउंड, डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। What are the different types of mood disorders? First, major depressions. Second, dysthymia. Third, bipolar disorder. Fourth, mood disorder related to another health condition. Fifth, substance induced mood disorder. What causes mood disorders? What is at risk for mood disorders? तो देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं अपने असाइनमेंट का लास्ट पार्ट, असाइनमेंट थ्री, क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइकोमेटिक एंड सोमेटो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स। एंड हाउ कॉमन इज सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। Who might have somatic symptoms? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, वैराइटीज ऑफ सेल्फ। क्वेश्चन नंबर एट, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एस्पेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस, और इसका आंसर।
अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, की एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। When connecting youth to positive experience programs should include the following principles: तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।